जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपना 2.2 टॉपिक पे और आज का हमारा टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, तो एफटीए क्या होता है? एफटीए बेसिकली कुछ एक प्रोडक्ट्स में हम लोग टैरिफ नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में लोग टैरिफ नहीं लगाते हैं। टैरिफ मतलब एक तरह का आप टैक्स समझ सकते हैं, ठीक है। जो लगता है अगर आप कोई प्रोडक्ट का इंपोर्ट कीजिएगा तो उसमें टैरिफ लगता है, ओके। तो वो नहीं लगाते, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन इसके पहले कुछ आता है, उसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। अगर आप चार पांच प्रोडक्ट को लेकर के आप किसी कंट्री में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई चार पांच प्रोडक्ट को टैरिफ हम फ्री कर देते हैं इस कंट्री से, तो हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो सक्सेसफुल होता है उसके बाद हम लोग को लगता है कि हाँ अब हम लोग प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, हम लोग को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एफ टी आता है, मतलब पहले अर्ली हार्वेस्ट स्कीम आएगा, उसके बाद हम लोग का एफ टी आएगा नेक्स्ट स्टेप है, ओके। देखिए इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सब कुछ लगेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंट्री या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको टैरिफ नहीं लगेगा, आपको टैक्स नहीं लगेगा, ओके। तो देखिए बहुत टाइप का होता है, बहुत टाइप का एग्रीमेंट होता है। शुरुआत करेंगे हम लोग प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए। तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, लेकिन कुछ एक नंबर कुछ मतलब कुछ गुड्स के ऊपर होता है, मतलब चार पांच दस गुड्स को लेकर क्या होगा। आप इसका एग्जांपल ला सकते हो मरकोसर, मरकोसुर, ठीक है। मरकोसुर ये है ना साउथ अमेरिकन कंट्रीज का यूनियन है। उसके बाद आता है एफटीए, ठीक है। पीटीए के बाद आता है एफटीए। एफटीए में हम लोग बहुत सारा गुड्स को हम लोग फ्री कर देते हैं। पीटीए में चार पांच गुड्स को फ्री करता है, एफटीए में बहुत सारे गुड्स को फ्री कर देते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें बहुत सारे गुड्स के साथ साथ बहुत सारे और भी चीजें फ्री कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे आईपीआर हो गया, ये लोग को भी हम लोग फ्री कर देते हैं कि आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। देखिए कस्टम ड्यूटी और टैरिफ अलग अलग चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कस्टम ड्यूटी आप इंपोर्ट कीजिएगा और एक्सपोर्ट कीजिएगा दोनों में लगेगा, लेकिन टैरिफ सिर्फ इंपोर्ट करने टाइम लगता है, ओके। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, इंडियन कोरिया सीपा, ठीक है, सीपा, एस CEPA, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। उसके बाद आता है कस्टम कस्टम यूनियन। इस पे क्या होता है, कंट्री जो कंट्रीज है वो डिसाइड करेगी हम लोग ड्यूटी नहीं लगाएंगे, मतलब कस्टम ड्यूटी एक दूसरे में ट्रेड करेंगे तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, ओके। उसके बाद कॉमन मार्केट होता है कि फ्री मूवमेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जिस तरीके से मान लीजिए कि कनाडा और यूएस है, तो कनाडा का जो बंदा है वो यूएस में जाता है जॉब करने सुबह और शाम को आता है, तो ये वो कॉमन मार्केट है, ठीक है। वहां पर लेबर और कैपिटल का फ्री मूवमेंट होता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कॉमन यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोप में भी वैसे ही होता है, उसी तरीके से हमारा जो कनाडा यूएस है वहां भी ऐसा होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक यूनियन में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक यूनियन का मतलब होता है कि आपका जो मॉनिटरी पॉलिसी है ना वो भी सेम रहेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए ना यहाँ मतलब ये ग्राफ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। पहले हम लोग चार पांच गुड्स को फ्री किए, उसके बाद एफटी में बहुत सारा गुड्स को फ्री कर दीजिए, उसके बाद सीपा में बहुत सारा गुड्स को फ्री किए, उसके बाद प्लस इन्वेस्टमेंट आईपीआर वगैरह को भी फ्री कर दिए, उसके बाद सारे गुड्स को फ्री करने के बाद, इन्वेस्टमेंट आईपीआर को फ्री करने के बाद और क्या बचा, हम लोग ड्यूटी को भी फ्री कर देंगे, ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद ड्यूटी लगा मतलब अब ड्यूटी तो लगाना नहीं है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लेबर को भी फ्री कर देंगे, मतलब आपको इस देश से उस देश जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाक से जाए फटाक से आए, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का मॉनिटरी पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से बस नाम का बाउंड्री रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी इसमें, ओके। अब बेनिफिट्स क्या, वाई आर एफ टी एस सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्यों है? बेसिकली ये देखिए, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आपको मालूम होगा। सैनिटरी मतलब जो भी प्रोडक्ट्स जो नॉन वेज से बना हुआ है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स है, और फाइटोसैनिटरी मतलब फूड प्रोडक्ट, मतलब प्लांट प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो बना हुआ। तो ऐसे कुछ मेजर्स होते हैं इसमें, इसको इस मेजर्स को हर एक कंट्रीज अप्लाई करती है। कोई भी प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करती है, इस मेजर को अप्लाई करती है कि इस मेजर को फुलफिल नहीं फुलफिल कर रहा है कि नहीं प्रोडक्ट। अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो इसको रिजेक्ट कर देगी, वो आपको वापस कर देगी, ठीक है, मतलब आपको लॉस हो जाएगा बेसिकली, ओके। तो मार्केट एक्सेस मिलता है, ठीक है, और ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, ये सब फ्री हो जाता है, ये सब में प्रॉब्लम होता नहीं आता है, ठीक है। और देखिए प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर नॉन एफटीए मेंबर, तो इस पॉइंट में कह रहा है कि पहले मैं बता दूं कि एशियन क्या होता है। एशियन एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, ठीक है, मतलब जो वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, ये सब एशियन कंट्रीज है। तो अगर एशियन कंट्रीज अगर एक दूसरे के ट्रेड करेगी तो उसको वो लोग ना कस्टम ड्यूटी लगाती है 20% लेदर शूज में। लेकिन अगर हम किसी कंट्री से एफटीए किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिंगापुर से अगर एफटीए किए हुए हैं, तो वहां से हम लोग अगर लेदर शूज खरीदेंगे तो हम लोग को फ्री फ्री रहेगा, हम लोग को वो ये जो 20% ड्यूटी ये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है बेसिकली, यही बात है। उसका देखिए स्लो प्रोग्रेस इन मल्टीलेटरल नेगोशिएशन।
अगर हम लोग बहुत सारी कंट्रीज आ जाएगी एक साथ डील करने के लिए, एक साथ उसको उसको फॉलो करने के लिए, तो बहुत लेट होगा। लेकिन एफटीए क्या होता है, एक बंदा दूसरा बंदा से कर रहा है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कर रही है, तो फटाफट काम होता है, तो ये थोड़ा फास्ट है। ओके, और देखिए यहाँ पर अदर बेनिफिट्स में बेसिकली कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। इनकरेजेस कंपटीशन, इंक्रीज इफिशियंसी, ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन, ये जो पॉइंट है ये आपको हर जगह यूज कर सकते हो। ये जो पॉइंट है स्पेशली ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन, ये हर जगह यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और ये तो भाई नॉर्मल सा पॉइंट है, कंपटीशन इफिशियंसी। ओके, देखिए इंडियाज एक्सपीरियंस विद एफटीए, तो SAFTA का फुल फॉर्म होता है साउथ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग का $4 बिलियन से $21 बिलियन हो गया, काफी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बताया कि हम लोग का आउट परफॉर्म नहीं किया, ओवरऑल एक्सपोर्ट हम लोग का आउट परफॉर्म नहीं किया। इसका इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर मच मोर रेस्पॉन्सिव टू इनकम चेंजेस। अगर हमारा इनकम अगर बढ़ता है, हम लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। कैसे ज्यादा बढ़ता है, अगर हम लोग एफटीए करेंगे और हम लोग प्राइस को घटा देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग का एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इनकम उसी परसेंटेज से बढ़ा देंगे तो हम लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। ओके, ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा है। इसके इसके अंदर में आप रिसर्च करने जाइएगा तो आपको मतलब डेटा को एनालाइज करके आपको ये निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लोग उसको मान देते हैं। ओके, द शेयर ऑफ एशियन इन इंडिया टोटल ट्रेड डिफिसिट, ठीक है। एशियन कंट्रीज क्या है हमारा, एशियन मतलब कि हमारा जो वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब एशियन कंट्रीज में आ गया, ठीक है। तो हम लोग का जो ट्रेड डिफिसिट है ना, उससे 7% से बढ़कर के 12% हो गया। तो हम लोग को वहां पर एफटीए कराए थे तो हम लोग को नुकसान हो रहा है वहां पर एफटीए करने से। ओके, ठीक है, लो यूटिलाइजेशन, हम लोग जो एफटीए करते हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि हम लोग का जो यूटिलाइजेशन रेट है एफटीए का, वो लोवेस्ट है एशिया में, एशिया में लोवेस्ट है। बहुत बुरी बात है ये, ठीक है, ठीक है। इसे में पाकिस्तान भी आता है, तो पाकिस्तान से ये लोग नीचे है यार, इसका यूटिलाइजेशन मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान से भी नीचे है, हो सकता है पाकिस्तान हमारे नीचे हो, कि लोवेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नीचे है, हो सकता है कि बॉटम बॉटम 3 में हो, बॉटम 5 में हो, ठीक है। ओके, व्हाई आर एफटीए नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड इन इंडिया, ऊपर हम लोग देखें क्यों नहीं काम कर रहा। ऊपर हम लोग देखें काम नहीं कर रहा, अब हम लोग देखेंगे काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए जापान और सिंगापुर है यहाँ पर एशियन कंट्रीज में, तो ये लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए हम लोग को वहां से इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो नुकसान होता है, ठीक है। और देखिए SPS मेजर, ऊपर हम देखें ना सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, ठीक है। तो ये जो है 76% प्रोडक्ट्स में हम लोग का लगाया जाता है जापान के द्वारा। अगर जापान में अगर 100 प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 76 प्रोडक्ट में SPS मेजर को लगाया जाता है, और उसको मतलब उसको बहुत तरीके से ले आ जाता कि ये सही है कि नहीं, ये ध्यान से लेंगे उसको, ठीक है, मतलब सही है, लगाना भी चाहिए। ओके, हम लोग को जरूरत है कि हम लोग अच्छा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, हम लोग का नाम खराब नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ सर्विस कंपोनेंट, सर्विसेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब हम लोग का पावर क्या है, हम लोग का पॉपुलेशन, हमारे पास टेक्नोलॉजी यूएसए जैसा नहीं है, जापान जैसा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है। तो हम लोग लोगों को अपना भेजते हैं, वहां से वो लोग पैसा कमा के भेजते हैं, तो हम लोग का पॉपुलेशन हमारा पावर है, ठीक है। और जो भी एग्रीमेंट होता है ना, गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है, गुड्स के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। सर्विसेज मतलब कि सर्विसेज के लिए होता है, मतलब अगर आप सर्विस दे रहे हो इस कंट्री को, उस कंट्री को, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस दिया हो यूएसए जापान में, ठीक है, वो सर्विस। लेकिन यहाँ पर सर्विस की बात हो रही है कि बंदे अगर जाएंगे तो उसको किस तरीके से आप वीजा में छूट दीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से आप उसको फ्री मूवमेंट कर पाइएगा, तो इस पर बात नहीं हो रही है। ओके, और जो डोमेस्टिक फैक्टर है, हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अभी पेट्रोल का दाम एकदम रॉकेट, ठीक है। सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट, जो भी एनर्जी एनर्जी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मतलब देखते हैं कि मिलता नहीं है ठीक से। और डिस्कॉम का जो हम लोग टॉपिक किए थे उसमें देखे थे कि डिस्कॉम का एक प्रॉब्लम है कि जो सेम सेम डिजाइन का तार है ना, वो हर जगह लगा दिया है, बी इट इंडस्ट्रियल एरिया और बी इट डोमेस्टिक एरिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो हम लोग को जो इंडस्ट्री है वो सही से रन नहीं कर पाता है। ओके, हायर कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा। अगर आप कंपनी बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा हर महीना जीएसटी फाइल करना पड़ता है, लेट हो गया तो भाई 100 100 रुपये पर डे का फाइन लगता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, अगर आप किसी केस में फंस गए हैं तो आपका फिर हो गया, आपका कल्याण हो गया। ओके, सर्कमवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बहुत अच्छा चीज बताया गया है कि मान लीजिए कि जापान के साथ हमारा एफटीए किया हुआ है, ठीक है, और हमें जो है सामान मंगाना है कोरिया से, ठीक
ठीक है, साउथ कोरिया से हमें सामान मंगाना है, तो साउथ कोरिया वाला बंदा ना अपना जापान वाला कंपनी को भेजेगा और जापान वाला कंपनी हमें भेजेगा, ठीक है। तो इससे वो जो है ना ट्रेड टैरिफ से बच जाता है। मान लीजिए कि साउथ कोरिया से हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जापान से हमारा है, तो साउथ कोरिया वाला जापान भेजेगा और जापान से यहाँ भेजेगा, तो हम लोग को टैरिफ नहीं लगाना पड़ता, तो इससे हम लोग को नुकसान होता है। ओके, ओवरलैपिंग आरटीए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ओवरलैपिंग है, जिस तरीके से मान लीजिए कि एशियन कंट्री थे, एशियन में मलेशिया सिंगापुर सब कुछ आ गया, और उसके बाद मान लीजिए कि मलेशिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, ठीक है, और एशियन कंट्रीज के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब एशियन जो ग्रुप है वहां पर भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब एक ही कंट्री से दो दो तरीके से हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो दोनों में हो सकता है रूल्स डिफरेंट हो, दोनों में हो सकता है रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो ओवरलैपिंग है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल डाल देखिए, इंडियन का एशियन का लिखा हुआ ऑलरेडी, और देखिए हमारा जो ग्लोबल परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग का स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, तो बाहर का कंट्री सोच रही है भाई ये लोग आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है, तो सब कुछ खुद ही बनाएगा, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग को नुकसान होगा, ये लोग के साथ हम लोग दूरी बनाए रखें, मतलब हो सकता है एक परसेप्शन बन सकता है। देखिए स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन एफटीए, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है बहुत देखना जरूरी है। देखिए कारोटा 2020 रूल्स है, बेसिकली कारोटा को देखिए फुल फॉर्म पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले मैं करता था कि पहले फुल फॉर्म सारा याद करता था, लेकिन अब नहीं याद करता, क्योंकि शुभम कुमार जो हमारा इस साल का टॉपर है उनका वीडियो मैंने देखा, तो उन्होंने बताया कि अब फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये होगा कि आप शॉर्ट फॉर्म लिखने के पहले एक बार अपने वहां पर ऊपर में फुल फॉर्म लिख दो उसका, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म का यूज करो, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए कारोटा इतना लंबा याद करोगे लिखोगे टाइम लगेगा, अमरूद ठीक है अमरूद तो बहुत लंबा लंबा है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कारोटार 2020 ने बताया कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना पड़ेगा उनको उनको कन्विंस करने के लिए, ठीक है। ये एक अच्छा सा ये है, मतलब पावर दी गई है अथॉरिटीज को ताकि वहां पर कोई चोरी घोटाला ना हो पाए। ओके, और देखिए 2015 में इंडिया ने बताया कि जितना भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है सबको हम लोग रिव्यू करेंगे, उसको रखना है कि नहीं रखना, हटाना है नहीं हटाना है, उसमें कुछ इंक्लूड करना है नहीं करना, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो दो एग्जांपल कर सकते हो आप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव का, ठीक है। और जो भी ऊपर में जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट हमने देखा है सब कुछ आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत या ये भी आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव में डाल सकते हो, इंडियन एशियन से का मतलब सिपा ये भी आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव में डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रहा है। देखिए वे फ्रॉड में कुछ नहीं है, वे फ्रॉड में बेसिकली ऊपर जो भी लिखे हैं सबको कॉन्सल्ट कर, जितना भी प्रॉब्लम है सबको अच्छा करके, हाँ इसको ठीक करना, इसको ठीक करना, इसको ठीक करना, ओके। डोमेस्टिक इंडस्ट्री गेट्स प्रोटेक्शन, जो भी बहुत ही कॉमन सेंस का बात है, मतलब जो भी हम लोग को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, आत्मनिर्भर भारत को हम लोग को जो स्ट्रेटजी है ना उसके उसके अकॉर्डिंगली जितना भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ठीक कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, और हम लोग को आत्मनिर्भर भारत में जो सेट करता है उसी को रखिए, बाकी कैंसिल कीजिए, ठीक है। फेज वाइज रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट टेरिफ्स, मतलब जो इम्पोर्ट करते हैं ना हम लोग सारे सारे प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है, तो जो हम लोग को लिए अच्छा है, जो हम लोग को इम्पोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जिसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उसको यूज करके कोई बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग को फायदा हो रहा है उस इम्पोर्ट से, तो उस प्रोडक्ट में टैरिफ को घटाइए, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा इम्पोर्ट करें, ताकि हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करें, फायदा हो हम लोग को, ठीक है। देखिए पोस्ट कोविड में मतलब कोविड के पहले जो चाइना था, चाइना का हेजमनी था, वो पूरा का वर्ल्ड को कौन के मतलब सप्लाई करता था, सप्लाई सप्लाई मार्केट है बेसिकली चाइना, ठीक है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी पोस्ट कोविड में सबका परसेप्शन बदल चुका है, चाइना के प्रति सब लोग गुस्सा है, तो हमें चाहिए कि सब कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें ताकि हम लोगों को फायदा हो सके, ठीक है, हम लोग को अपना जो स्ट्रेटजी है वो बदलने की जरूरत है। पिकिंग एंड चूजिंग पार्टनर्स केयरफुली, ऑब्वियसली मतलब ऐसे थोड़ी किसी भी उठ के एग्रीमेंट कर लेंगे हम लोग। डोमेस्टिक मेजर्स जो भी हम लोग देखे थे ना, इलेक्ट्रिसिटी का मेजर्स था और जो भी मेजर था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले था, सबको सॉल्व करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक इंट्रो लिखा हुआ है, मतलब मुझे उतना मतलब सॉरी कंक्लूजन लिखा हुआ, उतना कुछ खास कंक्लूजन नहीं है, बट आप लिख सकते हो टू रियलाइज द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एफटीए इट इज इंपोर्टेंट टू इंश्योर दैट दे आर ऑन म्यूचुअली रेसिप्रोकल टर्म्स। ये जो टर्म है ना म्यूचुअली रेसिप्रोकल टर्म्स, ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, इसका इसका अच्छे से इसको मतलब फ्रेम करना होगा, लेकिन अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मतलब कंक्लूजन बनाने के लिए इतना मेहनत करना मतलब अच्छा मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, इसमें बहुत सारा चीज याद करने के लिए जितने भी पॉइंट हम लोग देखें उसके अंदर में एक एक एग्रीमेंट दिया हुआ उसको याद करना जरूरी है। पूछ सकता है एफटीए पूछ सकता है, क्योंकि 10 साल से न्यूज में नहीं था, अभी कुछ अगर एफटीए हो गया, जो कोरिया के साथ हमारा रिव्यू चल रहा है एफटीए विद कोरिया, अगर ये हो जाता है 2023 के अंदर में हो जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये उस सेंस में करना जरूरी है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक
सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर